खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं चक जुमरा से, जहां पर फीक अहमद लूना की रिपोर्ट के मुताबिक चक जुमरा पीटीए मकामी क्यादत और कारकुनान की जानिब से साइयां वाला इंटरचेंज बंद कर दिया गया। सूबाई वजीर अली हफजल शाही की क्यादत में एहतजाज जारी। सूबाई वजीर का जमीन पर बैठकर कारकुनान के साथ धरना। सूबाई वजीर मुवासलात अली हफजल शाही का कारकुनान से खताब। कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर मुवासलात अली हफजल शाही ने कहा कि हुकूमत होश के नाखन ले, इमरान खां हमारी रेड लाइन है जिस पर हम मर मिटने को तैयार हैं। इमरान खां के ऊपर हमला नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हमला किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक पार्टी की आदत कोई हतमी फैसला नहीं करते, पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। इमरान खां की सेहतयाबी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह सेहतयाबी के बाद लॉन्ग मार्च वैसे शुरू होगा। हकीकी आज़ादी हासिल होने तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ सड़कों पर रहेगी। बिल्कुल, ये आपके सामने है। किस तरह से दो दिन पहले एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, खान साहब को टारगेट किया गया और उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन ज़िंदगी और मौत के फैसले अल्लाह के हाथ में और अल्लाह की ज़ात ने इस मुल्क पे भी रहम किया, खान साहब पे भी फजल किया। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो ये अवाम का गुस्सा है जो आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहा है। खान साहब ने एक आइनी मुतालबा किया, एक इखलाकी मुतालबा था, कानूनी मुतालबा था। लॉन्ग मार्च जो है एहतजाज किसी भी जमहूरियत का हुसन होता है। खान साहब ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने रंग में भंग डालने की कोशिश की है। सो ये अपने इन ओछे हथकंडों से बाज आएँ, वरना अवाम मुश्तइल हो सकती है और इसके बहुत सवेयर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी, इस वक्त आप साइयांवाला में खड़े हैं, या कितनी देर तक ये एहतजाज रहेगा आपका? ये तो जब तक लोगों के ये जज्बात हैं तो ये लोगों की मर्ज़ी है। ये कोई पार्टी की तरफ से ऑर्डर नहीं आया, ये सिर्फ कारकुनान मौजूद नहीं है, ये आम लोग, आम आवाम मौजूद है। सो ये आवाम के जो आवाम अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रही है। सो इसी तरह होता है, जब आप अवामी राय को अहमियत नहीं देते फिर अवाम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। हम खान साहब की मोहब्बत में एहतजाज कर रहे हैं और एक असूली एहतजाज कर रहे हैं। खान साहब की कोई इलीगल डिमांड नहीं है। खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। जब तक यहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, ये खान साहब के साथ है कौम और इंशाल्लाह ये खुद पुरअमन एहतजाज करेगी। ना तो आज एहतजाज की काल थी, ये अवाम का जो जज्बा है वो अपने जज्बे के साथ अपना हक क्लेम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज ये जिस तरह अली भाई ने भी बताया कि एहतजाज जो है ये अवाम खुद कर रही है, इसको किसी किस्म की डायरेक्शंस नहीं है, तो कोशिश करना चाहिए हुकूमत वक्त को कि होश के नाखुन ले और अवाम के जज्बात के साथ मजीद खिलवाड़ ना करे। अगर ये जज्बात मजीद उभर गए तो शायद ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे।